Hey guys, welcome to Infobug. This is Amar Chauhan and Flavors 2.0 में आज लगेगा शेफ अजय का तड़का. तो आइए मिलवाते हैं आपको शेफ अजय से. Hi Amar, how are you? I am good. How are you? I am good too. So आज क्या बनाने जा रहे हैं आप? So today we are making Kalaadi Kulcha. Not exactly Kalaadi Kulcha. It's a jungle type Kalaadi Kulcha. Obviously इसमें लगेगा आपका तड़का. So we are doing cooking on open fire jungle में. We are in Patnitop. So हम Kalaadi Kulcha बनाएंगे लेकिन मेरे स्टाइल. So उसके लिए हमें पहले कलाड़ी के लिए ट्रेनिंग पड़ेगी, थोड़ी शॉपिंग करनी पड़ेगी एंड अपना सेटअप करना पड़ेगा. So let's go and buy कलाड़ी. Of course. So guys मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी क्योंकि हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है. So see you soon. Bye. We have to choose the सबसे अच्छी कलाड़ी कहाँ मिलती है. कलाड़ी की टाइप्स. Okay. Fresh, aged, middle aged. So, sounds interesting. So इसको कैसे पता चलेगा कि अजय कौन सी कलाड़ी हमें कैसे खरीदनी चाहिए? So you have to this one is like freshly made. Alright. Just like maybe a week ago. Okay. Yeah. So इसमें घी का जो है ना घी का content वो कम होता है. Okay. Because it's fresh. It's more like protein, but it's have more similar like mozzarella. Alright. Some are local mozzarella. Great. So जो ये वाली है ना? This one is because this one is little aged one. Okay. क्योंकि इसमें patterns दे सकते हो. तो ये थोड़ी एज हुई है and इसमें है थोड़ा येलोइश स्किन भी आ रही है. हाँ ये थोड़ा सा दिख रहा है कि ये पुरानी नहीं एज मतलब ज़्यादा इसमें फैट कंटेंट ज़्यादा है. Okay इसमें फैट कंटेंट ज़्यादा है and इसमें आपको स्ट्रेचिंग ज़्यादा मिलेगी और इसमें क्रिस्पनेस ज़्यादा मिलेगी. मैंने वो ग्रिल्ड इट लेकिन उसमें जो क्रिस्पी लेयर होती है इसमें ज़्यादा आएगी जो अपने फैट फोकस करता है. इसमें वो नहीं आएगा. इसमें जैसे होने का चीज़ फ्रेश एंड अगर इसमें थोड़ी बस और थोड़ी पुरानी होती तो ये है लाइक बिल्कुल yellowish part. Wow. This kind of so this is okay. So it's getting a skin of yellowish skin. Yaar tum to matlab encyclopedia of Kaladi's ke great. Yeah. Because I want people know about their this local cheese. Yeah, and that's good. Very it's so matlab itni purani hai ki it's like kind of muzde se purani hogi shayad. So guys ready ho jaiye, aaj hum banane ja rahe hain Kalaadi Kulcha version 2.0. तो फाइनली शॉपिंग के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारी फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि पटनीटॉप और आप देख सकते हैं मेरे साथ है शेफ अजय. हेलो. सो हमारा जो रेसिपी है आज का उसमें लगेगा शेफ अजय का तड़का. और शेफ अजय क्या बना रहे हैं आप? ऐसा हमने जो कलाड़ी ली थी रास्ते से बिल्कुल वो हमारे पास आ चुकी है. किचन सेट हो चुका है. लाइट इज आउटडोर किचन. रियली रियली गुड लोकेशन एंड हल्की की ठंड है. सनसेट होने वाला है एंड इट्स बेटर कि थोड़ा गरम कुछ स्नैकी मिल जाए. बिल्कुल. तो इट्स बेटर कि स्टार्ट विद ओके. एग्जैक्टली. मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारे इस शो का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है कि किचन में बहुत ही बोरिंग सी कुकिंग से हम ऊब चुके थे. हम चाहते थे कि हमारी ऑडियंस को हम कुछ डिफरेंट सा दें और हमारे चैनल का एक मकसद ही यही है कि हमारी ऑडियंस को कुछ डिफरेंट सा हम आपको कंटेंट दें. सो हमारे शो का फॉर्मेट ही यही है कि हम आपको आउटडोर कुकिंग में बताएं कि किस तरह से जब आप बाहर रहते हैं तो किस तरह से जुगाड़ लगाकर आप क्या कुक कर सकते हैं. सो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बाहर आउटडोर शूट पे आता है तो जब भी आप कभी कैंपिंग के लिए जा रहे हो या कहीं फैमिली ट्रिप के साथ फ्रेंड के साथ तो हमें होता है कि अपना कुछ बनाए अपना बारबेक्यू सेटअप है. तो वेरी इजी. गेट अ स्टोन्स. Yes. Get a griddle like this and आग लगाओ and कुछ भी मिले आप उसको पका दो. Exactly. Okay. It's not about kitchen की आपको हर चीज़ मिले गैजेट्स मिले या सब कुछ मिले बस जुगाड़ वाला काम. Exactly. जुगाड़ वाला काम. Obviously आप देख सकते हैं हमने भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ किया है. आप देख सकते हो पत्थर हैं एंड जस्ट एक पैन है. ऑब्वियस है कि जब आप घर से निकलते हो आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो. छोटा मोटा सेटअप आप देख सकते हो कि हमने भी छोटा मोटा जुगाड़ किया हुआ है. हमारे पास एक चॉपिंग बोर्ड है एक नॉर्मल सा पैन है और मसाला आप कैरी कर सकते हो. दैट्स इट. और कुकिंग एसेंशियल्स स्टार्ट करें यार. लेट्स स्टार्ट कुकिंग. मुझे भूख लग रही है. मुझे भी भूख लग रही है यार. और कलाड़ी वैसे भी जम्मू की बहुत एक देसी भाषा में अगर हम बोले तो यहाँ का जो देसी चीज़ है हमारा वो कलाड़ी है. So let's start this. हमने कलाड़ी कुलचा को as a simple रखा है, just for the maker some tangy twist to it and add bit of like a panini sandwich, like an Italian sandwich. All right. It's an Italian panini sandwich, panini kalaadi sandwich. Okay. So let's start. So first we chop the garlic. What are the ingredients? Yes, let's garlic, herb garlic and bit of herb masala. Oh my God! Look at the style. You know, garlic ko. Wow, nice. This. No, I hate garlic chop करना. Okay, मेरे को आदत है अपने पूरे किचन गैजेट्स देके साथ चलने के, बट हेयर इज टफ. बस मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जुगाड़ पूरा जुगाड़ू काम है. देसी भाषा में इंडियंस आर यू नो द बेस्ट फॉर द जुगाड़. जुगाड़ के लिए हम इंडियंस जाने जाते हैं. तो लेट्स ऐड बिट ऑफ बटर. ओके, बटर को आपने पैन में इसको पूरा आपने अच्छे से इसको अप्लाई कर दिया है. So basically we just gives the flavor of this pan first. Actually लोग क्या करते हैं पहले अपने चीजों के ऊपर पैन, तो always flavor your pan first. All right. Perfect. Add bit of garlic. So we are using a mixed kind of herbs. We have chili flakes, oregano, salt, red chili powder, turmeric powder, coriander powder, cumin powder, and just mix it to give us a slice. टैंगी ट्विस्ट like चटपटा इटालियन मसाला. इस मसाले में ज़रूरी है जो हर्ब्स आपने बताई हैं वही डाल सकते हैं आप. यू कुछ भी आपको एज पर योर टेस्ट. मेरे को थोड़ा सा इटालियन फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, सो आई एम जस्ट डूइंग अ मिक्स ऑफ फ्यूजन. ओके, ऑलराइट. मेरा पैन हिला दिया आपने. सो सॉरी मार पड़ेगी मुझे लग रहा है अभी. बड़ी मुश्किल सेट किया मैंने. सो सॉरी, नहीं वो बटर एक्चुअली एक साइड पे आ गया. सो जस्ट पुटिंग सम मसालास देयर. Wow. And flavor my buns actually. So this is a like a outer covering of the bun. Okay. English में इसे bun कहते हैं. डोगरी भाषा में इसे कहा जाता है कुलचा. इसे आगे दे कुलचा. हमने ये normally fresh bakery से लिया है. Okay. अब आपने पैन हिलाया, अब कुछ नहीं है. मैंने touch किया तो. बस मैं कोटेड. आहा. ये पेटिस बोला. Just बोलो. You just बोलो. ये सही है. Anchoring is my bada. Cooking? No. Tell me, yeah. I was doing one jugaad, yeah. It's okay. पत्थर का stove. Yeah. So, okay, as you see, nice. Wow, the kulcha absorbs the butter and the herbs. Nice. Okay. तो ये आप मतलब घर पे भी try कर सकते हैं. ये बहुत ही simple है. ज़रूरी नहीं कि आप पटनीटॉप या कहीं बाहर आके इसको कर सकते हो. घर पे आप इसको even मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से इसको आप बना सकते हो. Yeah, exactly. मतलब कैंपेन का मज़ा ही है ना कि आप कुछ भी लेके आओ जो आपके फ्रेंड्स को पसंद है. Exactly. या जो आपकी फैमिली को पसंद है. बस एक क्या है, बस एक छोटा सा सेटअप है और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स है, लेके चलो एंड स्टार्ट कुकिंग. वाओ, इजी एज आई एम. सीरियसली हम लोग सुबह से निकले हुए हैं, हम थक चुके थे और हमने पूरा ये सेटअप किया. यहाँ के कुछ लोकल लोगों ने जैसे ये पत्थर अरेंज करने में हमें हेल्प की और उसके बाद हम लोग अब ये माय कुलचा आर रेडी. यस. अच्छा बाहर बिकॉज सारा बटर अब्सॉर्ब कर लिया इसमें. तो जो भी इसमें पैन में बचे हुए फ्लेवर्स हैं सारे डीग्रेड हो जाएंगे. ओह वाओ, नाइस. आई लव दिस वन. द हीरो इज कमिंग. हां, कलाड़ी. सो दिस इज द हीरो. कलाड़ी इज अ फीमेल. हीरो नहीं है, हीरोइन है. उसको जेंडर दे दिया. वाह. या तो आप कैसे हीरो बोल रहे हो, हीरोइन भी तो हो सकती है वो. वाओ यार, मतलब घर बैठे आप लोग इसका जो यू नो एक वो जो खुशबू है, एरोमा, वो फील. माय गॉड. सो लेट्स सिट फॉर व्हाइल. तो ये थोड़ा हाउ मच टाइम टिल नो दे पेशेंस. सीरियसली. ओके. टिक टिक 1, टिक टिक 2. अच्छा, कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने कलाड़ी को ट्राई किया है और उसका बेड़ा गर्क किया है? कमेंट करना, क्योंकि उन बेड़ा गर्क करने वालों में से एक मैं हूँ, अमर चौहान. टिक टिक 10 तक तो मेरी घड़ी पहुँच गई है. जल्दी जल्दी कमेंट करिए जितने लोगों ने बेड़ा गर्क किया है और जिन लोगों ने बहुत अच्छे से कलाड़ी जिन लोगों ने अच्छे से कलाड़ी बनाई है वो लोग भी कमेंट करिएगा. और कलाड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्लीज़ वो भी बताइएगा, वो भी लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि कलाड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वैसे इंग्लिश में? रिपन चीज। रिपन चीज, हाँ रहने दीजिए, हमें पता चल गया है। Chef, I'm proud of you. You're so intelligent. Okay, thank you. तभी आप Infobug में हैं। So कलाड़ी का हिस्ट्री ये है कि जब कोई गुज्जर लोग अपना दूध कैरी करके नीचे लाते थे, जब व्हीकल्स नहीं होते थे, मतलब मोस्टली टांगे पे या जहाँ, तो समटाइम गर्मियों में ना उनका दूध फर्नीचर तक फट जाता था, तो वो दूध फेंक देते थे मोस्टली। So that was one very generous guy कमिंग आउट दिस आइडिया कि अगर हम उसको स्ट्रेन करके जो उसका रह जाता है वे रह जाता है उसको यूज़ करके, क्योंकि उसको स्ट्रेन करके कुछ बनाया जाए एंड देन दिस कड़ी करना। इट्स वेरी सिमिलर टू मोजिला, मे बी इटालियंस को प्राउड होता होगा कि मोजिला दे उनका एक इन्वेंशन है एंड इटालियन मोजिला इज अ फ्लैग, उनके फ्लैग में मोजिला इज अ नेशनल चीज, बट फॉर मी कलाड़ी था नेशनल, ऑफ कोर्स, एंड कॉटेजेस इंडिया ने डेवलप किया था। तो कभी मास्टर शेफ में आपने कलाड़ी से कभी कुछ बनाया? तो वहाँ पे मुझे मिली नहीं। अच्छा वहाँ नहीं मिली? But they do. Oh, but it's much. As you see, the statue is coming up. Yeah, it's beautiful. Yeah. So I'm just trying to rotate it. Okay. Yeah. Wow, it's beautiful. It's beautiful. So this is the actually the texture I'm looking for. Okay. The crisp kind of thing and yeah. This. Stretchy kind of thing, okay? Exactly, yeah, it's beautiful. Guys, I'm really sorry, मैं आप लोगों को खिला नहीं सकती, but मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ. You should try. इसको ज़रूर ट्राई करिएगा. यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आ रहा है और वो लोग कौन हैं हम आपको नहीं बता सकते. तो लोग इसमें मोस्टली ग्रीन चटनी या मिर्ची लगाते हैं. तो ग्रीन चटनी is good, मिर्ची चटनी I'm not big fan of मिर्ची चटनी. So what do I make a What is this? And this is a achari mayo. Wow. Mayonnaise, lemon pickle, and green chili pickle mix करके. हमने mix किया हुआ. Mix करके. तो मतलब इसको तो कोई भी घर पे. हाँ exactly. आप अचार लो, उसको blend करो मिक्सी में with mayonnaise और yogurt as well. Okay. मेरे इसके दांत बड़े fan नहीं हो तो. ये तो वहाँ मैं जान ले लेगा. हाँ कोई ना, आपको अभी बहुत सारे शोज करने हैं ऐसा मत बोलो. Exactly. अभी तो बहुत सारे शोज करने हैं. So what's interesting part is I got this lovely radishes from farmers market there. Yeah. Okay. So and the thing is कि आप जो ये radish के पत्ते हैं ना, you can straight away you can eat this and it's like very spicy, not spicy, freshness to the dish. You can use it salad. Mostly मूली के पत्ते को खाता नहीं. And white मूली नहीं, this रेडिश वन डाइकॉन दैट इज बिट ऑफ स्पाइसी एंड कलर भी काफ़ी अच्छा है, गार्निश के लिए काफ़ी अच्छे यूज़ कर सकते हो आप. एंड मुझे इसका ये इसके जो लीव्स हैं मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि ये हाँ इट्स गुड फॉर हेल्थ एज वेल एंड ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, ज़्यादा इचीनेस नहीं जैसे जो नॉर्मल रेडिश के पत्ते होते हैं वाइट वन उसमें ज़्यादा वो इचीनेस होती है, बट यू कैन मतलब इट्स रियली गुड, टेंडर है काफ़ी टेंडर है, क्रिस्पी है एंड यू कैन यूज फॉर द सैलड एज वेल. ओके सो इट्स डन. Okay, so let's do the plating. Like it's like desi burger, right? Yeah, kind of desi burger. हर एक रीजन का अपना एक देसी बर्गर होना चाहिए. Exactly. हमारा भी है. And मुझे लगता है कि ये अगर इसको कंपेयर किया जाए तो दूसरे बर्गर से ये ज़्यादा हेल्दी है. Yeah, exactly. Because कलाड़ी is good for health as well because में अच्छे नेचुरल फैट्स हैं. हाँ, exactly. And इसमें जो कि हार्मफुल नहीं है बॉडी के लिए. हार्मफुल नहीं है बिल्कुल. And it's done. मैं इसको प्लेट कर रहा हूँ. Okay, okay. आप हमारे बहुत ही मेजर एसेट हैं तो आपकी सुरक्षा हमारे हाथों में है. वाओ इट्स ब्यूटीफुल. जस्ट इमेजिन पटनीटॉप की वो सर्द हवाएं और आप खुद से वो कैंपेन, आपके वो दोस्तों का साथ और ऊपर से ये देसी कलाड़ी और आपका खुद का तैयार किया हुआ ये सेटअप, उसके साथ से खुद की कुकिंग. वाओ जस्ट इमेजिन इस तरह का सेटअप हो और आप खुद इस तरह की कुकिंग करें तो क्या बात. Wow. Garnish is. Sprinkle some. मैं और थोड़ा sprinkle कर special herb मैं mix up. Wow. So you know, that's my method. And finally, इसमें लग चुका है शेफ अजय का तड़का. Yeah, that. So let's have this. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Thank you so much. Cheers. Wow, I'm so excited. और मैं जल्दी से इसे खाकर आपको बताऊंगी कि ये कैसा बना है. और अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो इसे जरूर घर पे ट्राई कीजिए. अगले हफ्ते एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे. तब तक कीप वॉचिंग फ्लेवर्स 2.0 ओनली ऑन इन्फोबग.